हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं चतुर्थ अध्याय। इसमें जो परिभाषा प्रकरण आएगा, मतलब दीपक पाचन आदि जो है उनकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल। मोस्टली जो इस चैप्टर में पूछा जाता है वो एग्जांपल पूछे जाते हैं कि ये किस तरह का द्रव्य है, जैसे प्रमाती है, संसरण है या क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कईयों की लाइन भी लिख के आ जाती है डेफिनेशन की। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दीपन में। दीपन में क्या है, पचेद न आमम, आम का पाचन नहीं करती पर वहनी कृच्छम, वहनी को बढ़ा देता है, अग्नि को बढ़ा रहा है, आम को नहीं पचा रहा, उसको बोलते हैं दीपन। यानी सिर्फ ये दीपन, अग्नि दीपन करता है, आम को नहीं पचा रहा। इसका एग्जांपल है मिशी, मिशी मतलब सौंफ को बोलता है, तो आपने याद रखना मिशी। ये आप लाइन पढ़ के समझ जाओगे कि वहनी को बढ़ा रहा है, आम का पाचन नहीं कर रहा, तो दीपन है। फिर उसके बाद आता है पाचन। पाचन के लिए क्या है, पचती आम है, आम का पाचन कर रही है, न वहनी, वहनी यानी जो अग्नि है उसको नहीं बढ़ा रहा, वो होता है पाचन। नाम से पता चल रहा है पाचन, पाचन करेगा, अग्नि को नहीं बढ़ाएगा। इसका एग्जांपल है नाग केसर। और विद्या चित्रो दीपन पाचनम, तो पाचन का है नाग केसर और जो चित्रक होता है वो दीपन और पाचन दोनों होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जो दीपन है उसका कर्म क्या है, आपको लिख के देंगे दीपन पाचन बोध या कोई और ऑप्शन होगा तो बोध आएगा, दीपन और पाचन मोर करेक्ट है दोनों। फिर आता है संशमन। संशमन में क्या आएगा, संशमन में क्या बोला है, न शोध्यती मतलब शोधन नहीं करती, और जो सम अवस्था में रहने वाले हैं मतलब जो सम अवस्था में अगर हमारे दोष है तो ना उनको बढ़ा रही है ना घटा रही है, और समीकरोति विषमा, जो विषम हो गए हैं, घट गए हैं, बढ़ गए, उनको सम करती है। तीन पॉइंट है, शोधन नहीं कर रहे, जो सम है उनको कुछ नहीं कर रहे, ना घटा रहे ना बढ़ा रहे, लेकिन जो घटे या बढ़े हुए यानी जो विषम है उनको सम जरूर करे, उसको संशमन बोलते हैं। तद्यथा अमृता, जैसे कि अमृता यानी गुरुचि, संशमन का एग्जाम्पल है अमृता। फिर आता है अनुलोमन। अनुलोमन का क्या मतलब है, कृत्वा पाकम मलानम, जो मलों को पकाकर, और भित्वा बंध्यम अधो नयेत, यानी इसमें याद रखना पाक करता है, जो अनुलोमन द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, पाक करके जो दोष है या मल है उनको पकाकर, विबंधता को नष्ट करके, ढीला करके जो है वो मल को नीचे की ओर ले जाते हैं, उनको अनुलोमन बोलते हैं। तो पूरी लाइन लिख के आपको देंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे, इसके नीचे डैश डैश किया, यानी इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो अनुलोमन, इसका एग्जाम्पल क्या है, हरित की। फिर आता है संसरण। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसका श्लोक याद कर सकते हो, पूछते हैं जैसे पक्त्वम यद अपक्त्वम श्लिष्टे कोशे मलादिकम, पकाकर या बिना पकाई, श्लिष्ट यानी जो चिपके हुए हैं, तो आप इस वर्ड से समझ जाना संसरण श्लिष्ट, यानी जो चिपके हुए हैं कोष्ठ में मलादि, उनको जो है वो गुद मार्ग से निकालता, उसको संसरण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, कृतमाल, कृतमाल यानी जो अमलता से उसको बोला है, संसरण का एग्जाम्पल कृतमाल। फिर आता है भेदन। भेदन क्या है, मलादिकम अबद्धम यद बद्धम वा पिंडितम मले, जो बद्ध या अबद्ध मल है और पिंडित मल है उसको गुद मार्ग से निकाल देती है, उसको भेदन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुटकी। तो पिंडित, पिंड का भेदन करते हैं, तो इससे समझ जाना कि भेदन का कुछ है, और इस भेदन का एग्जाम्पल है कुटकी। फिर आता है रेचन। रेचन क्या है, विपक्वम यद अपक्वम वा मलादिकम द्रवता, देखो पक्व या अपक्व हो, ये संसरण में भी आया, यहाँ पे भी आया, बद अबद यहाँ पे भी आया, तो संसरण को आप श्लिष्ट से समझ जाना, भेदन को पिंडित से, और इसी तरह रेचन को द्रवता से, लिक्विड फॉर्म में निकालेगा बिल्कुल रेचन, तो इसका एग्जाम्पल त्रिवृत याद रखना। ठीक है, फिर आता है वामक की, आप समझ ही जाओगे कि अपक्वम पित्तम श्लेष्मणो, अपक्व पित्त को या श्लेष्मा को बलात् ऊर्ध्वम, बलपूर्वक ऊर्ध्व मार्ग से निकालेगा, तो उसको वमन बोलते हैं, और इसका एग्जांपल मदन फल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं संशोधन। संशोधन क्या होता है, स्थानाद बहिन नेद ऊर्ध्वम अधो वा मल संचम, जो मल का संचय है अपने स्थान में, जो मल का संचय है उसको ऊर्ध्व या अधो मार्ग से निकाल रहा, उसको बोलते हैं संशोधन, जैसे देवदाली फल। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उभय तो भागहर द्रव्य कौन सा, आपको एग्जांपल लिख के देंगे बहुत सारे, तो उसमें आपको टिक करने देवदाली क्या है, उभय तो भागहर है, यानी वमन और विरेचन दोनों कराते हैं, संशोधन कराते हैं। फिर आता है छेदन। छेदन क्या होता है, श्लिष्ट कफादिकान दोषान उन्मूल्यति, श्लिष्ट चिपके हुए हैं और कफ आदि है, श्लिष्ट वर्ड संसरण में भी आया था लेकिन उसमें पक्त
पकाकर या बिना पकाए था, लेकिन 6 दिन में ऐसा कुछ नहीं है। तो श्लिष्ट है और कफादि जो दोष है उनका उन्मूलन करता है बलपूर्वक, उसको हम 6 दिन बोलते हैं। 6 दिन के एग्जाम्पल कौन है? शार करता है 6 दिन, मरीच और शिला जतु, शार मरीचानी शिला जतु। फिर आता है लेखन। लेखन आपको पता ही चल जाएगा, जो धातु है हमारी और वात आदि दोष है उनका शोषण करता है, उसको लेखन बोलते हैं। इसका मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो शोद्रम नीरम उष्णम, शोद्र यानी मधु है, नीरम उष्णम यानी गर्म पानी, वचा और यव है लेखन के एग्जाम्पल। फिर आते हैं ग्राही। ग्राही कौन होते हैं? जो दीपन भी है, पाचन भी है और उष्णत्वाद द्रव, उष्ण होने की वजह से जो लिक्विड है उसका शोषण कर लेते हैं, उसको ग्राही बोलते हैं। दीपन, पाचन और उष्णत्वाद द्रव शोषी, उसको ग्राही बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? शुंठी, जीरक, गज, पिपली। ठीक है, फिर आता है स्तंभन। स्तंभन आप समझ जाओगे कि जो स्तंभन करते हैं, रोकते हैं चीजों को, वो होते हैं स्तंभन। इसका एग्जाम्पल कौन है? वत्सक और टुंटुक। आप पढ़ते भी हो, कुटज जो है वो देते हैं अतिसार वाले पेशेंट को, तो समझ जाना कि वत्सक और जो टुंटुक है वो स्तंभन रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है रसायन। और जो यहाँ पे जैसे टुंटुक बोला था उसको सोना पाठ है, शोना बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है रसायन। रसायन क्या है? रसायनम च तज्ज्ञेयम यत् जरा व्याधि नाशनम। ये लाइन लिख के देंगे, आपको पूछेंगे किस आचार्य के अकॉर्डिंग है, तो ये आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग है। लाभोपाय शस्ता नाम रसादिनाम रसायनम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये परिभाषा होगी रसायन की। और रसायन के इन्होंने एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं? यथा अमृता, रुदंती और गुगलुश्च हरित की। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गुगलू को आचार्य शारंगधर ने क्या बताया, तो ऑप्शन होंगे रसायन या फिर और भी कुछ रसायन एग्जाम्पल होंगे, जैसे लेखन में रख सकते हैं, छेदन में रख दिया इस तरीके से। तो गुगलू जो है वो रसायन कैटेगरी में रखा है, अमृता, रुदंती, गुगलू और हरित की। फिर आते हैं वाजीकरण। वाजीकरण आपको पता है कि जो स्त्री संभोग में हर्ष शक्ति को उत्पन्न करते हैं उसे वाजीकरण बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है नागबला आद्या बीजम च कपि कच्छुजम। नागबला और कपि कच्छु के बीज, नागबला आदि लिखा है, तो आपको तो मेनली नागबला और कपि कच्छु याद रखना है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आदि से मतलब यहाँ पे जायफल, अफीम, भांग, शतावरी, दुग्ध या मिश्री का भी ग्रहण किया जाता है। फिर आते हैं शुक्रल। शुक्रल क्या है? जो शुक्र को उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे जो औषधियां शुक्र धातु की वृद्धि करती हैं, जो वृद्धि करती हैं उनको शुक्रल बोलते हैं। इसके एग्जांपल है अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी। अश्वगंधा, मूसली, शर्करा और शतावरी। फिर आते हैं शुक्र जनक और रेचक। शुक्र जनक मतलब उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेचक जो उसके जो है वो इजैकुलेशन करा रहे हैं। तो प्रवर्तक और जनक कौन हो गए? दुग्ध, माश, भलातक, फलमज्जा और आमलक। दुग्ध, माश, भलातक, फलमज्जा और आमलक। फिर आते हैं वाजीकरण द्रव्य। ये विशेष है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जो शुक्र प्रवर्तक होता है वो कौन होती है? स्त्री। परवृत्त करा देती है शुक्र को, वो होती है स्त्री। रेचन जो बाहर रेचन करा देता है शुक्र को, इजैकुलेट करा देता है, वो होता है वृहति फल। ठीक है, जो शुक्र का स्तंभन शुक्र को रोक देता है वो होता है जातिफल। आपको भी पता है अतिसार में देते हैं जैसे जातिफल, स्तंभन के लिए दे रहे हैं, तो स्तंभन करता है जातिफल। और शोषण सुखा देता है कौन? हरित की। प्रवर्तक स्त्री, रेचक वृहति फल, स्तंभन है जातिफल और शोषण करता है हरित की। फिर उसके बाद बोल रहा है सूक्ष्म औषधियां कौन सी होती है। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं सैंधव, शोद्र, निम्ब तेल और उरुबुक के लिए आया, यानी एरंड के लिए आया है सैंधव, शोद्र, निम्ब तेल और एरंड। फिर उसके बाद आता है व्यवाही। व्यवाही क्या होते हैं? कि जिनका पाक होने से पहले ही पूरी बॉडी में जो व्याप्त जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, याद कर सकते हैं आप। पूर्वम व्याप्तम अखिलम कायम, पहले ही अखिल मतलब संपूर्ण काय में पहले ही व्याप्त हो जाते हैं। तत् पाकम च गच्छति, फिर बाद में पाक होता है उसको बोलते हैं व्यवाही। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे भांग और फेन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विकासी। विकासी क्या होते हैं? इसकी एग्जाम्पल कैसे याद रखना आपने? विकासी है ना, क आ रहा है इसमें, तो दोनों क सी है, क्रमुक और कौद्रवा। इसके इसकी डेफिनेशन क्या है? संधि बंधास्तु शिथिलान यत करोति, जो संधि बंधन है उनको शिथिल कर देता है उसको विकासी बोलते हैं। शिथिल कर रहा है, ढीला कर रहा है। और विश्लेष ओजस्त धातु है, और जो धातु है उनसे ओज को पृथक कर देता है।
अलग ही कर रहा है हर चीज को, संधियों को, संधि बंधन उनको शिथिल कर रहा है, और ओज जो धातुएं हैं उनको ओज से अलग कर रहा है। क्रमुक और कौद्रव इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है मदकारी। मदकारी क्या है? बुद्धि लुम्पति या द्रव्यम, बुद्धि का जो लोप कर दे उसे मदकारी बोलते हैं, और ये है तमोगुण प्रधान। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि तमोगुण प्रधान है, मतलब क्या गुण प्रधान होते हैं, रज गुण, सत्व गुण, तो तमो गुण प्रधान होते हैं मदकारी द्रव्य। 2015 में आया हुआ पीजी क्वेश्चन में कि बुद्धि लुम्पति या द्रव्यम डैश डैश तदुच्यते, तो मदकारी आएगा। इसके एग्जाम्पल मद, सुरा आदि कम। फिर आते हैं प्राण हारक द्रव्य, यानी ये विष के गुण बोले 8। जो आचार्य चरक हैं उन्होंने भी विष के गुण 10 बोले हैं, और उसमें अनिर्देश जो है वो वर्ड रखा है आचार्य चरक ने। जो सुश्रुत है उन्होंने भी 10 गुण बोले हैं, लेकिन उन्होंने अनिर्देश रस की जगह अपाकी गुण बताया है। और जो आचार्य वाग्भट है उन्होंने 11 गुण बताए हैं। जो चरक का है जैसे कि अनिर्देश रस, वो भी उन्होंने रखा है, और अपाकी की जगह सुश्रुत की उन्होंने विषमपाकी, यानी विषमपाकी वर्ड और ऐड कर दिया चरक में, तो ये वाग्भट के 11 होंगे। फिर आता है शारंगधर के अकॉर्डिंग विष के गुण होते हैं 8। तो इनमें से आप ये याद तो कर रहे हैं अगर आपको पूरा कर सकते हो, लेकिन ये 3 वर्ड जरूर याद होने चाहिए, छेदन यानी छेदी, जीवित हरम, और योगवाही जो है इनके अकॉर्डिंग है, व्यवाही, विकासी, सूक्ष्म, छेदी, मद वाले, आग्नेय, जीवित हरम और योगवाही जो है वो विष को बोला है। फिर आता है प्रमाथी। प्रमाथी क्या होते हैं? वो द्रव्य जो अपने वीर्य से स्रोतों में संचित हुए कफ आदि दोषों को दूर करते हैं, अपने वीर्य से जो काम कर रहे हैं। याद रखो ये वर्ड वीर्यन, तो अगर आपको ये लाइन भी देगा तो आप समझ जाओगे, निज वीर्यन या द्रव्यम, जो अपने वीर्य से स्रोत आदि में जो संचित हुए दोष है उनको दूर करते हैं, उनको प्रमाथी बोलते हैं। तो वीर्य के लिए किस कौन एग्जाम्पल है प्रमाथी में? मरीच और वसा, सॉरी वचा, मरीच वचा। फिर आते हैं अभिशंधी। अभिशंधी हमें पता ही है, जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, अब मार्गों को अवरुद्ध कर लेते हैं, वो अभिशंधी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है दधी। तो ये हमारा हो गया 4th चैप्टर। थैंक यू।